बहुत अच्छी लगती है। इधर से खोलती हूँ, ऐसा ही खोल जाए। चलो खोलती हूँ मैं, ट्राई करती हूँ सब खुल जाएगा। इधर से करती हूँ, इधर से इसको पूरा फाड़ दूँ क्या मैं? एक काम करती हूँ, पहले इसको ऐसे मोटा मोटा फाड़ दूँ। दिया नीचे का, अब चलो ऊपर का भाग। इधर से हाथ दे दो ऊपर से, चलो काट कर। फ्रेंड्स, ये मैंने बहुत मुश्किल से खोल पाया है, पता है आपको? ये एलिफेंट है, देखो ये फिश है और ये एलिफेंट है, ये डायनासोर है। फ्रेंड्स, देखो ये स्टार है, ये व्हेल है। फ्रेंड्स, देखो ये स्टार है, देखो ये एलिफेंट है। और ये सब डॉल्फिन है। सुंदर है, अभी इससे हम शेप बनाएंगे क्ले से और फिर मुझे बहुत मजा आएगा। देखिए अब चलो मैं ये इनसे बनाती हूँ। पहले पिंक वाला, पहले व्हाइट वाला लूंगी, निकाल दूं। फ्रेंड, अब मैं आपको दिखाऊंगी व्हाइट कलर। व्हाइट, और ये वन की शेप की है, ये है वन की। अब मैं इसे मोल्ड बनाऊंगी, शेप बनाऊंगी। देखो इस रोल से मैं इसको फ्लैट करती हूँ। फ्रेंड्स, बताओ मैं कौन से डिजाइन का क्ले बनाऊं? ये वाला बनाती हूँ। माउस बनने वाला है।
पता है मैं इसको पता है इसे निकालूंगी, उसके बाद आपको ये दिखाऊंगी। फ्राइडे हो गया, देखिए ये माउस है। फ्रेंड्स ये माउस है, देखो कितना प्यारा माउस है ये। इसका नेम है वाइट। This is name is white. मतलब है white mouse. This is pink color. ये मेरा favorite color है। अब मैं इसका किलर डॉग को बनाऊंगी। चलो। अरे roller भी pink है। अब मैंने डॉल्फिन का मोल्ड लिया है। और पता है ये डॉल्फिन मैंने कभी भी नहीं देखी। अरे पानी के ऊपर छलांग लगाती है, बताया आपको? और पानी तो छपक 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 सबके ऊपर आ जाता है। और ये है पिंक, मतलब रेड कलर की। और मैंने ले लिया है पिंक कलर का। चलो मैं इसे देखती हूँ। अब आप देखेंगे प्यारी सी डॉल्फिन। पहले मैं इसको निकाल लेती हूँ सारे क्ले को, तो ओके उसके बाद जो तो डॉल्फिन बनेगी, है ना फ्रेंड? अच्छा नहीं से करती हूँ, नहीं तो फिर निकल जाएगा। को इतनी पतली है, इसे कुछ खाने को नहीं मिला इसलिए पतली है। ये तो इसको बनाने में तो बता नहीं सकती, टाइम इतना लगा मुझे, एक घंटा हो गया पूरा। देखो कैसी बनी है, ये तो देखो इसका कुछ खाती नहीं, इतनी पतली है। जब देखे साइड में अब मैं रेड कलर चूज करूंगी। पहले मैं अब येलो चूज करूंगी। फ्रेंड्स मुझे येलो कलर बहुत पसंद है और येलो कलर की मेरे पास बहुत सारी ड्रेसेस हैं। चलो मैं बनाती हूँ। ये येलो कलर है, ये येलो कलर मुझे बहुत पसंद है। येलो कलर की चीजें मैंने बहुत सारी जगह पे देखी हैं, पता है आपको? येलो कलर के मेरे पास तो इतने टॉयज हैं, उसके टॉयज बताने।
बना रहे? फ्रेंड्स अब मैं ऐसे बनाऊंगी स्टार। स्टार मैंने बहुत सारी जगह देखे हैं, चलो बनाती हूँ। स्टार किस किस को पसंद है? स्टार तो सबको पसंद होता है, मुझे तो बहुत पसंद है। जब मैं छत पे जाती हूँ स्टार देखती हूँ, स्टार मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। बनाऊंगी और पता है स्टार मैंने ना बहुत सारी जगह पे देखी है, बहुत सारी। मैं जब डेली छत पे जाती हूँ मैं बहुत सारे स्टार देखती हूँ और मुझे बहुत मज़ा आता है। और स्टार मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट है और इनका कलर येलो होता है, मेरे पास भी येलो ब्लैक होता है। मेरे पास एक स्टार की कॉस्ट्यूम भी है। और अब मैं जल्दी से इसको बनाऊंगी फिर आपको दिखाऊंगी। फ्रेंड्स चलो अब मैं इसको ऐसे थोड़ा निकालती हूँ, ठीक है? अब मैं इसको निकालती हूँ आगे की साइड से और फिर मैं आपको इसे दिखाऊंगी। This is orange color. अब पता है orange color मुझे बहुत पसंद है। orange color के fan होते हैं ना, और हनुमान जी ने पता है वो बचपन पे पता है वो फन खा गए थे और ये उनको वो फूल गया, तभी वो आपको फोटो में दिखते होंगे ना, वो फूलने वाले हैं ना, उनका मुंह रेड होता होगा ऐसा है ना, अब ऐसे करके होते होंगे ना, है ना। अब मैं बनाऊंगी ऑरेंज कलर से, अब मैं बनाऊंगी ऑरेंज कलर से एलिफेंट। हाथी राजा कहाँ चले, चूड़ी लाके कहाँ चले, मेरे घर भी आओ ना, हलवा पूरी खाओ ना। दिस इज रेड कलर और दिस इज लैंड ऑफ शेप का है। चलो अब मैं इसे क्या बनाऊँ, मैं इसे बनाती हूँ ये, मैं इसे बनाती हूँ दोबारा से डॉल्फिन। ओके चलो
इसे ऐसे करेंगे, पहले ऐसे दबाते जाओ दबाते जाओ दबाते जाओ, फिर हम इसको सर्कल सर्कल करेंगे, ठीक है, ऐसे करेंगे। चॉकलेट की तरह गोल वाली जिसमें पीनट लगे होते हैं, आपने वो खाई होगी, है ना। चलो अब इसको दबाते हैं। स्काई ब्लू कलर इंग्लिश में उनकी आंखें होती है ना, इंग्लिश बोलने वाले की, है ना फ्रेंड्स। अब मैं इसको इस साइड से ऐसे करूंगी, उसके बाद रोल करूंगी। लाइन करें, लाइन करें इससे। देखो यहाँ टू टू डॉल्फिन, एक है रेड एक है पिंक। सॉरी वो गिर गई थी, उसको जाने की जल्दी है ना, उसको मेरे हाथ में अच्छा नहीं लग रहा, उसको ना भूख लगी इसलिए वो नदी में जा रही है पानी के लिए, पता दाने खाने। फोल्ड करो,
उसके बाद सर्कल बनाओ। अब ये ब्राउन है और ब्राउन भी पीनट जैसी हो, मतलब पीनट जैसी कैंडी जैसी होती है। अब मैं इसको रोल बनाऊंगी और इसके अंदर कोई सा भी बीज भर दूंगी। बस और सारे क्ले मोल्ड से मेरे पास बहुत सारे हैं क्ले मोल्ड, चार चार पैकेट, पता है चार चार पैकेट। अभी तो मैंने ये खोल दिया है वीडियो बनाने के लिए, पता है आपको। चलो अब ये बन गए, इसको थोड़ा सा दबाते हैं, अब इसको रोल करेंगे। धीरे धीरे से ऐसे कर लो, उसके बाद उसे दोबारा ऐसे ऐसे कर करो। और आप ये ध्यान रखना है बड़ा हो थोड़ा सा, ठीक है। मैंने बहुत ज़्यादा ही बड़ा कर दिया। अब मैं इसमें यह घुसाऊंगी। अब देखो इसको, मैं इसको ऐसे ऐसे धीरे धीरे से काट। डॉग इतना पतला है ये, देखो ये डॉग है। पा 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 डॉग 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 ही हमारे घर की रखवाली भी करता है। सॉरी वो गिर गया, उसे भी डॉल्फिन की तरह जाने के लिए जल्दी हो रही है, वो भी भूखा है ना इसीलिए, और उसे प्यास भी लगी है। तो वो पता है कितने दिनों से नहाया भी नहीं है, ठंडा हो रहा है, पता है आपको। वो तो वाइट है, ब्राउन इसलिए हो गया क्योंकि वो ना दो दिन से क्या तीन दिन से नहाया नहीं है, उसके घर में ना पानी नहीं था, तो इसे नहाया था क्या पता ही नहीं। और ये है डॉग, डॉग हमारे घर की रखवाली भी करता है। अगर कोई चोर घर के अंदर आ जाए तो दिया।
होती है ना। आपने देखी होंगी कोई पिक्चर विक्चर में जो इंग्लिश वाली पिक्चर होती है ना, मैंने भी देखी है, पता है आपको। इसको थोड़ा सा दबाते हैं, दबाओ और दबाओ, इसको ऐसे रखा, अब ऐसे ही फिर रोल करो। इधर का थोड़ा सा डर इधर डालो, बाद ये इधर डालो। आपको और मेरा माउस याद है, और वो भी ब्लू कलर का। धीरे से उतारना, पर बहुत मोटा है। कुर्सी पे बैठूंगा, कुर्सी फूट जाएगी क्योंकि मैं इतना बड़ा हूँ। और ये एक एलिफेंट है, इसको यहाँ पे रखो, इसको यहाँ पे रखो। डॉल्फिन 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 ऐसा रखी थी बन की तरह में, तो ऐसा रखा। फ्रेंड्स चलो हम डॉग को अब निकालते हैं, इसको ऐसे धीरे धीरे से निकालो, कहीं बिगड़ ना जाए। इसको ऐसे करें, सारा निकलने में दिक्कत हो जाएगी, गैप होना बनेगा, टाइम लगेगा। अच्छा ये वाला मैं बाद में करूंगी, मैं ना पहले इसको यहाँ पे रखती हूँ, ये वाला कर लेती हूँ। ओके, रोल 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 रोलिंग 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 दबाओ दबाओ दबाओ। Oh,
अब मैं पता है इसको थोड़ा सा इधर से और रोल कर देती हूँ। ओके फ्रेंड्स, मैं ना इस फ्रेंड इसको पता काटना ना बहुत मुश्किल है, कभी कभी गलत हो जाता है पता है। अरे इतना तो बड़ा हो गया बता नहीं सकती। धीरे धीरे, ये तो पहले की तरह ना हो जाए। ऐसे इसको थोड़ा सा ऐसे 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 काटो 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 तो साइलेंस कट गई दबाने में ना ताकत लगती है। इसको यहाँ पर रखो, अब इसको रोल करो। इसको हम ऐसे 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 ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे अब चाकू घुसा दो। आपको पता है सब ग्रीन भी होता है। अब इसको ऐसे 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 कट 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 हो गया। कैसे करो डालो असली में नहीं बन रहा पता है आपको, पर मैं आपसे झूठ नहीं कह रही असली में नहीं बन रहा है पता है। गलत नाम बन रहा है तो गलत बन गया तो क्या हो रहा है। उंगली से बनना पता है। Yeah.
दोबारा से करूं। अब वो कट जाए साइज। इसे दोबारा से करने से भी कुछ नहीं हुआ। इसको ऐसे करो, ओके, ऐसे। अभी आपका स्टार रेडी। टिंकर टिंकर, सॉरी, उसको भी भागने की जल्दी है अपने मम्मी पापा के पास जाने के लिए। टिंकर टिंकर लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू। देखो द्वार से, Wonder what you are, up above from high, like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Friends, hi friends, welcome to my channel. Today to my na, मैं आपको अपना किचन सेट दिखाऊंगी। ये है मिक्सर जिससे चटनी वगैरह जूस वगैरह बनाते हैं। पहले यहाँ पे फ्रेंड्स, ये है मिक्सर जिसमें चटनी और वो फ्रूट के मिल्कशेक वगैरह, जैसे चटनी वगैरह टमाटर की, मिर्च की, या फिर कोई जूस वूस है ना, तो ये उसके लिए होता है। देखो इसमें सबसे बड़ा वाला बटन, ये तीन बटन भी है। इससे इससे मिक्सर चालू होता है, इससे मिक्सर टेस्ट मारता है, इससे मिक्सर बंद होता है, इससे मिक्सर चालू होता है। बताए आपको इसमें मिक्सर चालू होता है। दिखाऊंगी अपनी प्लेट। ये प्लेट है मेरी वाइट वाली। अब ये है रोलर, इसको यहाँ पे रखते हैं। अब इसको ये रोटी बनाते हैं ना, प्लास्टिक है। देखो इसके अंदर ये बॉल्स हैं, ढोला कैसे बज रही है, इसके ऊपर रखो, इसको यहाँ पे रख दिया। ये गैस है मेरी, घूमती नहीं है। ये जब मैं मार्केट में सब्जी लेने जाती हूँ, ये उसके लिए पर्पल वाली, इसको यहाँ पे रखते हैं, ओके। ये है मेरे पास दो दो कुकर है, पर इसका कैप नहीं है ना, इसलिए इसका कैप नहीं है, ओके, तो इसको रख देते हैं। इसका कैप नहीं है, नो अलाउड, कोई बात नहीं, रख देते हैं। बेलन उधर हो, शायद इसको उधर ही होना सही है, इसको इधर रख दो, ये सही है। अब मैं, ये क्या है, मुझे लगा टूटा हुआ है। फ्रेंड्स, ये है टू टू कप्स, बड़े वाले कांच के। आप
आप कांच के समझो, परे है प्लास्टिक। ओके, इनको यहाँ रखते हैं सारी चीज़ों के पास, कप के पास नहीं, कप और थैली भरने हैं। ये भी कोई बात नहीं, इसे भी रख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, तो अब मैं इसे बनाती हूँ। सबसे पहले मैं मिक्सर से इसे खोलती हूँ। ओके, इसमें ना, इसमें पता है वाटर मैनिंग करते हैं, इसमें ना जो डाल दिए, अरे मैं भूल गई, लग नहीं रही ना, तो ऐसे ही से कर देते। अब इसको धोया, शायद बन गया। इसमें तो कप, इससे तो चाय पीते हैं और दूध। चलो पीती हूँ मैं। वाह, तो बहुत टेस्टी है। पर अब थोड़ा सा बचा, मैं आपको भी दे देती हूँ, ठीक है? लो आप पी लो पापा। No. Thank you. अच्छा है? बहुत अच्छा है। ओके, ग्लास तो वापस करो, ग्लास वापस ले लो। इतना थोड़ा सा बचा, एक ये तो तीन घूट है, निकाल लेती हूँ, ग्लास से पी लेती हूँ जल्दी से। बहुत टेस्टी है। अब दोबारा से इसे जोड़ देते हैं। टमाटर की चटनी बनाऊं? ठीक, चलो मैं टमाटर पहले हाथ, टमाटर पहले पूरा चूरा, मेरा एक अलग टाइप है। पहले टमाटर को पूरा ऐसे ऐसे करो, उसका छिलका निकालो, उसके बाद मिक्सर ऑन करो, उसके बाद इसे बनाओ, उसके बाद समोसे के साथ इसे खाओ। टमाटर आपको सुन नहीं आ रहा होगा ना, ये ऐसे क्या होता होगा, ऐसे मैं टमाटर को ऐसे ऐसे करती हूँ, ऐसे छिलका निकालती हूँ, देखो इसकी आवाज। टमाटर छिलका मैं ऐसे निकालती हूँ, ऐसे टमाटर करती हूँ और ऐसे ऐसे छिलका निकालती हूँ। अब से छिलका मैंने दूसरे प्लेट में निकाल, अरे छिलका निकालना था, इधर करो छिलका। अब इसमें टमाटर डाल देती हूँ कि धुलने पड़ेंगे हमें, ये धुलने पड़ेंगी, इसलिए हम इनको यहाँ पे डाल देते हैं।
चलो अब इसकी कैप लगाओ ऐसे, इसकी कैप लगाई, अब इसको जॉइन करो। सर थोड़ी सी स्पीड चाहिए, स्पीड चाहिए, स्पीड चाहिए इसे थोड़ी सी। अब लगता है थोड़ा सा धीरा होना पड़ेगा। अब सर हो गया, बंद हो गई, अभी तो और है सर, स्पीड में करना पड़ेगा। ऑन कर देती हूँ ना, बस बंद। चलो बस बंद कर देते हैं सब, मुझे थोड़ा धीरा होना पड़ेगा। सेट अप सही से हो गया, इसे एक प्लेट में कर सकते हैं। यह टमाटर की चटनी, तो यहाँ पर रखते हैं। एक प्लेट है, मतलब वन प्लेट, टू प्लेट इसमें, एक इसमें, अब बस बची एक। इसका कैप लगा देते हैं ऐसे, और ये जहाँ पे थी वहीं पे रख देते हैं। मिक्सी तो यहीं पर रख, तुम्हारी जगह यही है, यहीं पे तुम खाओ, यहीं पे तुम पानी पियो, यहीं पे तुम सो, और तुम्हें जब मैं खुद खाने को दूंगी तो वो तुम खा लेना। अभी टमाटर खाने को दिया तो वो उसका रस भी खा लेना और वो भी खा लेना, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं आपको ना सब्जी बनाती हूँ, मैं क्या बनाऊँ, मटर पनीर, अरे नहीं है वो तो, भिंडी ये सही है। चलो इसको खोला मैंने, खोलू, खुल गया। अब पहले भिंडी काटती हूँ, भिंडी कहाँ है, भिंडी समझ लो यहीं पे है भिंडी, ठीक है। तो टेबल पे क्यों करूं, इसको उठाना पड़ेगा। कट गए, अब इनको ऐसे डाला, थोड़ा सा मसाला डालूं, भिंडी को तो डाल दिए शायद, एक प्लेट सही है फ्रेंड्स। थी नमक है, चलो मैंने डाल दिया, सॉरी वो नमक नहीं था शायद, वो भिंडी थी, नहीं वो नमक ही था, भिंडी तो मैंने पहले ही डाल दी थी काट के, वो नमक डाल दिया। पॉज करो, पॉज करो, पॉज करो। देखो अब मैं इसमें थोड़ी सी मिर्च डाल देती हूँ, ये मिर्च खाना भी ज़रूरी होता है, आप भी खाते हो ना तो ये आप भी खा लेना। बंद 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 फ्रेंड्स, ये हरी मिर्च है, इसको भी डाल देती हूँ, डल गई। अब चलो इसे थोड़ा सा मिक्स करती हूँ, मैंने बस आपको ऐसे ही कह दिया था झूठ मूठ में कि मैं भिंडी बना रही हूँ, पर मैं बना रही हूँ कुछ और। चलो इसे मिक्स करती हूँ,
फ्रेंड्स ये घी है, चलो इसे डाल देती हूँ कल। हाँ चलो मैं इसे मिक्स करती हूँ। शायद तो बन गई, चलिए गैस ऑन करो। गैस इससे पहले कर सकती हूँ, और अब गैस नीचे से सिलेंडर बंद कर देती हूँ। सब्जी तो बन गई फ्रेंड, चलो मैं इसको एक प्लेट में करती हूँ। मैंने आपको झूठ बोला था, ये सब्जी नहीं है। ये तो है सारी वेजिटेबल्स का सलाद। मैंने इसमें थोड़ा सा घी भी डाला है। सारी ये घी तो है ना, ये तो मक्खन है। चलो अब इसे खाती हूँ। इसको इधर करा, खाऊंगी जो है ना फिर मैं। बहुत टेस्टी, बहुत टेस्टी है। बाय फ्रेंड, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। फ्रेंड्स ना अब आपको बहुत डरावनी हॉरर स्टोरी सुनाने वाली हूँ, उसका नाम है लिटिल बेबी। एक बच्चा था छोटा सा, मतलब मुझसे थोड़ा सा छोटा, मतलब मेरी छोटी सी एक सिस्टर है यशिका, उसके जितना एक बच्चा था। आपको पता नहीं है, मैं आप ना उसकी एक स्टोरी देख लेना, आप यूट्यूब पे जाके बोलना कि बेबी हॉरर, उसका नाम बेबी हॉरर है। बेबी हॉरर मतलब वो एक लड़का था यशिका जितना, मतलब मेरे जितना, मतलब मुझसे इतना छोटा था, फोर इयर्स के जितना। और उसका बर्थडे वो एक लड़की थी, उसका बर्थडे 30 मार्च को आता था, पर 30 मार्च को तो बर्थडे मेरा भी आता है। कोई बात नहीं, मैं सब छोड़ूँ तो पता है, वो उसके मम्मी पापा तो थे, पर वो मम्मी पापा उसके पार्टी में पहुंच गए थे। वो अपनी मौसी की गाड़ी में जा रही थी। वो अपनी, उसका नाम शिवानी था, शिवानी मासी जो मेरी भी मासी का नाम है, मतलब मौसी होती है ना, मौसी मेरी भी मासी है, मैं मौसी की जगह मासी कहती हूँ। क्या तो पता है, वो लड़की अपनी मासी के गाड़ी में जा रही थी। वो गाड़ी एक जंगल में रुकी, जिस जंगल से एक लड़की की चीखने की आवाज़ आ रही थी। वो कह रही थी, बचाओ बचाओ बचाओ, कोई तो मेरी मदद करो, ये चुड़ैल मुझे मार देगी, ये चुड़ैल मेरा सारा खून पी जाएगी,
मैं क्या करूँ, कोई मुझे बचाओ। फिर वो जो जंगल से आवाज़ आ रही थी ना, तो वो गाड़ी में थे, तो वो गाड़ी उसी जंगल में आके रुकी जिस जंगल में वो लड़की चीख रही थी। फिर वो जैसे देखा, वो जैसे वहाँ पे गए और देखा, आवाज़ जहाँ से आ रही थी वहीं पे गए भागते भागते, और देखा कि ये तो मरी हुई है, इसके पूरे शरीर से तो खून निकल रहा है, और लगता है इसका खून कोई पी रहा है, हमें इसे जल्दी से उठाना पड़ेगा और इसे कहीं राजस्थान में हम छोड़ देते हैं, शायद ये दोबारा से जिंदा हो जाएगी भूत बन के, उसकी आत्मा आ जाएगी भूत की, और जब अमावस्या की रात होती थी वैसे ही वो चीखने लगती थी, बचाओ बचाओ, कोई तो मेरी मदद करो, ये चुड़ैल मुझे मार देगी, मेरा खून पी जाएगी, कोई तो मुझे बचाओ, मैं क्या करूँ, कोई तो मुझे बचाओ। जो भी वहाँ पे जाता था ना, वो सबका खून पी लेती थी, और वो जो गाड़ी थी ना, उसने उसको राजस्थान में कहीं ऐसे ही दूर, बहुत दूर फेंक दिया। तो अब वो उनसे बदला लेना चाहती है, वो उनसे ये बदला लेगी कि वो उनकी बेटी को मार देगी, और वो उनका, वो उसका सारा खून पी जाएगी। और अब पता है वो जैसे तैसे तो आए, वो पता ही नहीं दोबारा से आ गए थे जंगल में, और उसके बाद ना उस जंगल में से आवाज़ तो आई, पर वैसी सेम टू सेम आवाज़ थी ना, तो वो उनको लगा कि वो ये चुड़ैल जो हमसे बदला लेने आई है। तो उसके बाद वो तो चले गए अपने रास्ते पे, और उसके बाद स्टोरी ख़त्म। बाय फ्रेंड्स। मैं आपको ना चंपू और डब्बू वाली सुनाऊंगी स्टोरी, वो बहुत मजा आ रहा है। वो जा रहे थे अपने आंटी के घर, और उनकी आंटी का घर एक दुकान के पास था, और वो उस दुकान में पता है आइसक्रीम और पानी बिकता था, और छोले भटूरे समोसे बहुत सारी चीज़ें बिकती थी, कोल्ड ड्रिंक फ्रूटी माजा और डोसा सब कुछ मिलता था, बच्चों के लिए टॉयज वॉयज बड्डे सब कुछ मिलता था, पता है केक भी मिल जाती थी, आइसक्रीम भी मिल जाती थी, सब कुछ मिल जाता था, कुर्तों में आकर सब कुछ मिल जाता था, कपड़े भी मिल जाते थे, बबल्स भी मिल जाते थे, कपड़े और एयरिंग्स और लिपस्टिक नेल पॉलिश, बच्चों के लिए क्ले मोल्ड भी मिल जाते थे, टॉयज भी मिल जाते थे, यशिका जितने बच्चों के लिए भी मिल जाते थे, बुक और टॉयज, और वो एक स्विमिंग पूल भी मिल जाते थे, बड़े वाले मिल जाते थे, छोटे वाले मिल जाते थे, मेरे जितने बड़े वाले मिल जाते थे, सब स्विमिंग पूल मिल जाते थे। और जो बड़े होते हैं ना, जैसे वो वाटर पार्क में नहीं, अरे वो जो ब्लू होता है ना, जिसमें वो स्विमिंग पूल बड़ा होता है स्क्वायर शेप का, उसमें पानी भरा होता है, ऐसे जीने लगे होते हैं, उससे नीचे जाना होता है, फिर स्विमिंग करना होता है ना, वो वाला भी होता था, उसमें सारी चीज़ मिलती थी। उसमें चंपू और डंपू गए, कुछ खा पी के आ गए अपनी आंटी के घर। फिर उन दोनों ने आंटी से बोला, आंटी हमें भूख तो
मामा कि बेटा तुम बहुत दूर से आए हो तो तुम कुछ खा लो। तो वो बोले कि मैंने ना, हम दोनों ने ना दुकान पे बड़ी वाली जैसे सारी चीजें मिलती हैं उस पे तो खाने की चीजें भी मिलती हैं, तो हमने आइसक्रीम और एक मसालेदार और एक मसाला डोसा भी ऑर्डर कर दिया था। ठीक है, अब हम थोड़ी देर में खाना खाएंगे। पर हमारे यहाँ तो आंटी ने बोला कि हमारे यहाँ तो छोले भटूरे बने हैं, तो कहने लगे हाँ आंटी जल्दी जल्दी दे दो। तो उन्होंने दे दिए उनको छोले भटूरे। उसके बाद चंपू अपने घर निकल रहे थे तो उन्हें थोड़ी सी भूख लग गई, तो उन्होंने पता है तो फिर खाया उन्होंने एक फ्रेंच फ्राइज खाए थे उन्होंने। उसके बाद नहीं पिज्जा और फ्रेंच फ्राइज और कोल्ड ड्रिंक उन्होंने ये सब खाया था, उनका पेट भर गया। पर वो जंक फूड उन्होंने बहुत खा लिया था और पता है शायद उन्होंने कुछ ज़्यादा ही जंक फूड खा लिया था, तो उन दोनों के पेट में ना सारी चीज़ें मिक्स हो गई, सारी डिशें। और उसके बाद उन्होंने इडली सांभर भी खा लिया, तो उसकी सारी डिशें मिक्स हो गई, फिर पेट में कीड़े हो गए। उसके बाद जो डॉक्टर के पास गए इलाज करवाने, फिर डॉक्टर कह रहे थे कि उनका ऑपरेशन होगा तभी वो चीज़ें निकलेंगी, उसके बाद ही सही हो पाएंगे और इन्हें टाइम से दवाई देना। ये स्टोरी अब खत्म हुई। और फ्रेंड्स एक खेत था फूलों का, दूसरी स्टोरी है, इसका नाम है खेत फूलों का। पहले वाली स्टोरी का नाम था चंपू टंपू बीमार होए गंदे चीजें खाने से। आप ये स्टोरी अपनी कॉपी में लिख लेना, मैं आपको एक और सुनाती हूँ। फूलों की कविता मतलब फूलों की कहानी, फूलों के खेत की कहानी, ये तीन नाम है तो आप कोई सा भी ले सकते हो। मैं तो लेती हूँ फूलों की कहानी मतलब खेत फूलों का, फूलों की कहानी। बहुत पूरा पूरा खेत था फूलों से भरा हुआ और वो सिर्फ उसमें एक गुलाब सारे गुलाबों में चुभने काटे थे। एक सांप आया उस खेत में और मतलब मधुमक्खी आई और उस रस को पी गई, उसके बाद उनके पेट में कांटे हो गया है, मतलब वो बटरफ्लाई थी, वो चुभने होता है ना तो उसके पेट में ना कांटे हो गया। और वो बहुत सुंदर थी, पर उसके बाद वो डॉक्टर बटरफ्लाई के पास गई, तो उसने बोला कि मैंने ना रोज स्ट्रॉबेरी का रस पी लिया है, मेरे पेट में कांटे हो गया है पता ही नहीं कैसे, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ मेरा ऑपरेशन मत करना, पर प्लीज़ मुझे ठीक कर दो एक दवाई देके ताकि मेरे पेट के जो कांटे हैं वो ख़त्म हो जाए। तो डॉक्टर ने बोला कि तुम्हें एक सुई लगेगी, तो उन्होंने बहुत बड़ी वाली वो भी हाथ पे यहाँ पे लगेगी, तो उसको हम हाथ पे ही लगा दी, तो बहुत तेज दर्द हुआ तो खून भी निकला, पर बैंडेड लगा दी तो नहीं, उन्होंने रुई लगाने
रुई दे दी उन्होंने उनको, तो रुई तो बोला बोला डॉक्टर, बोले डॉक्टर बटरफ्लाई यहाँ पे तो मैं रुई लग गई है यहाँ पे, तो यहाँ पे सुई लग गई है, पर तुम इस रुई को ना दबा के रखना नहीं तो तुम्हारा खून बहता बहता जाएगा और फिर तुम्हें बहुत दर्द होगा, इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ तुम टाइम से दवाई खाना और जब तुम घर ना पहुँचो इसके इसको दवाई रखना, ठीक है? ऐसे डॉक्टर ने तेज से बोला तो बटरफ्लाई डर गई। उसके बाद डॉक्टर ने जैसा बोला वैसा ही उसने करा, तो वो सही हो गई। कहानी खत्म।